राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक खुश खबर आहे. बक्षीस समितीनं सातवा वेतन आयोग अहवाल बुधवारी राज्य सरकारला सादर केला. यामध्ये सरासरी 16 ते 23% एवढ्या पगारवाढीची शिफारस करण्यात आल्याची सूत्रांकडनं माहिती मिळते. राज्य सरकार याचा अभ्यास करून हा अहवाल लवकरच कॅबिनेट पुढे ठेवणार आहे. कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यास 1 जानेवारीपासून ही वेतनवाढ लागू होईल आणि फेब्रुवारी महिन्यात वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांच्या हाती पडेल. 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावानं नवीन वेतनवाढीचा लाभ 25 लाख सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. नवी मुंबई विमानतळ सुरू होण्याआधी मुंबईच्या चारही बाजूंनी विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी जलवाहतुकीची सोय करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केलेली आहे. रोहित सिन्हा यांच्या इंडिया इन्स्पायर रिडिफायनिंग द पॉलिटिक्स ऑफ डिलिव्हरन्स या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यामध्ये ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला उद्योगपती रतन टाटाही उपस्थित होते. प्रकल्प पूर्ण करताना काही पर्यावरणवाद्यांचा अडथळा होतो असंही त्यांनी म्हटलं, तर कंत्राटदारांनी चांगलं काम केलं नाही तर त्यांना इशाराही देऊ असं देखील गडकरींनी म्हटलेलं आहे. मुझे लग रहा था कि ये मुंबई की चारों दिशा में समुद्र में लोग वाटर टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पे क्यों नहीं जा सकते. और अभी भाटिया साहब को उन्होंने कहा आप अध्ययन करो, उन्होंने डिटेल डीपीआर की रिसर्च करने के लिए कंपनी को अपॉइंट किया, कंसल्टेंट को, उसने रिपोर्ट दिया, इट्स वायबल. और हमने तय किया है कि मुंबई का नए मुंबई का एयरपोर्ट होने के पहले मुंबई की चारों दिशा से जलमार्ग से पानी से आप 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पर पहुंचोगे. कहीं से भी 20-22 मिनट में पहुंच जाए तो आपको रोड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न रेलवे से और मेट्रो से जाने की जरूरत पड़ेगी. और वो काम हम करने वाले हैं. आज वाटर ट्रांसपोर्ट मुंबई का हो, जितनी जेटी मांगी महाराष्ट्र का उतनी मैंने दी है. पर वो बीमारी जो मेरे समय थी वो अभी मुंबई में है. एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है. हम तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं. मैंने सब हमारे पोर्ट को कहा कि एक बूंद गंदा पानी समुद्र में नहीं जाना चाहिए. हम पेड़ लगाने का काम सुधीर वो करें, मैं भी नेशनल हाईवे पे कर रहा हूँ. पर एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जब मैं मुंबई में मंत्री था तो 125 रिट पिटीशन कोर्ट में जाती थी. ये लोग अड़ा के बैठे. मैं चाहता हूँ कि हमको इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी चाहिए और डेवलपमेंट. निरंजन जी, मैं 10 लाख करोड़ रुपये के काम ऑर्डर वर्क ऑर्डर दे चुका हूँ और अभी तक मेरे विभाग में एक भी कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर मांगने के लिए मेरे दिल्ली ऑफिस में आना नहीं पड़ा, न कोई मिलने की जरूरत पड़ी. और मैं ये बिल्कुल अभिमान के साथ कह सकता हूँ. पर एक बात ये भी जरूर है कि मैं वैसे बोलने के लिए भी संकोच नहीं करता. मैंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि रोड खराब होगा तो बुलडोजर के नीचे तुमको डलवा दूंगा. दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट. मॉर्निंग महाराष्ट्रमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. लगेच परत येतोय, पाहत रहा जय महाराष्ट्र.